पूरी कोशिश करूंगा कि आसान सहल जुबान में अपने पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह पहुंचाऊं कि वो आसानी से उसे समझ सके। जैसा कि पाकिस्तान सबके इल्म में है, अच्छी तरह जानते हैं और तमाम तालिबे खास तौर पर कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया। उसके बाद हजारों नशीब व फराज से पाकिस्तान गुजरा और आज तक उस नशीब व फराज से वो बाहर नहीं निकल सका। इब्तदा में पाकिस्तान दो हिस्सों पर, दो सूबों पर मुश्तमिल था, मशरकी सूबा मगरबी सूबा। एक को मशरकी पाकिस्तान कहते थे और दूसरे को मगरबी पाकिस्तान कहते थे। 1971 में 56% मशरकी पाकिस्तान के लोग थे जो 1947 से सन 70 तक अपने हुकूक की जद्दोजहद करते रहे। 1970 में इलेक्शंस हुए, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, यानी उन्हें उनका हक की हुक्मरानी नहीं दिया गया। बिलाखिर वहां तहरीक चली और 56% अफराद पाकिस्तान के जोग्राफिया से अलहदा हो गए। यानी 1971 में अक्सरियत मुल्क से अलहदा हो गई। 1971 में उसूली तौर पर पाकिस्तान खत्म हो गया, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के नाम को अपनाए रखा और उन्होंने बाकी मौना मगरबी पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम देकर वन यूनिट बनाया। उसके बाद हालात के तहत सूबे बनाए गए। पाकिस्तान को 4 सूबों में तकसीम किया गया, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद। मैं ये रहा था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक को सूबा सरहद का नाम दिया गया, दूसरे को सूबा पंजाब का नाम दिया गया, तीसरे को सूबा सिंध का और चौथे को सूबा सिंध का नाम दिया गया। अगर आप इस पर गौर कीजिए तो ये नाम जो बरसों से, हजारों सालों से वहां बोली जाने वाली जुबान और सकाफत की तर्जुमानी करता था, उस नस्बत से यानी कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पर यह सूबे बनाए गए।
सूबा ऐसा था जिसको अंग्रेजों ने उसका असल नाम नहीं दिया था, वो था सूबा सरहद, क्योंकि सरहद कोई सूबा नहीं होता। जिस पर मुतालबा हुआ कि जब बलोच जहां रहते हैं, बलूचिस्तान है, पंजाबी बोलने वाले जहां रहते हैं उसे पंजाब का नाम दिया गया, जहां सिंधी बोलने वाले रहते हैं बरसों से बोलते चले आए हैं उन्हें सूबा सिंध का नाम दिया गया। तो जो पश्तो बोलने वाले हैं, जो पख्तून हैं, उनका उनकी सकाफत और जुबान के हिसाब से अगर आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से अगर उनका नाम दिया जाए तो इसमें क्या मुजायका है। वाहिद एम क्यूम थी सबसे ज्यादा इस मुतालबे की हिमायत थी, और आखिर एक दिन कौमी असम्बली के ऐवान से, सैनेट के ऐवान से यह करारदाद पास हुई और सूबे सर का नाम सूबा पख्तूनख्वा रख दिया गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद चंद ऐसे तारीखी हकायक जो मैं आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। नंबर एक, अपनी मर्जी खुशी या इंतहाई मजबूरी के बगैर कोई खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता, कोई खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता। अगर मैं ये कह रहा था कि कोई खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता, इंतहाई मजबूरी के आलम इंसान अपना घर छोड़ रहा है, इसी तरह कोई अपना वतन कभी भी ना तो तोड़ता है, ना वतन से अलहदा होना चाहता है। वतन घर की तरह, जैसे घर मकीनों का मुहाफिज होता है, लेकिन घर अगर मकीनों की लूट मार का मरकज बन जाए तो उस घर में कोई नहीं रहता। ऐसे ही जिस वतन में लूट मार चोर मजारी आम होने लगे, अकरबा परवरी आम होने लगे, बदनुमानी आम होने लगे और इंसाफ खत्म हो जाए, अदालतें लाचारों मजबूर हो जाए और वतन सबको यकसां तरीके से उनके साथ सलूक न कर सके, बराबरी का सलूक न कर सके, तो इससे एहसास महरूमी जन्म लेता है। एहसास महरूमी के खात्मे के लिए आवाज उठाई जाती है, तो फिर उसको दबाने के लिए ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, कुवतें जो होती है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी सही जमहूरी हुकूमत कायम नहीं हो सकी। पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान पर
अंग्रेजों के नमक खोर जो एजेंट्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो अवाम के अलावा फौज की थी, मगरबी पाकिस्तान की फौज की बड़ी तादाद जो है उसके हाथ में भी इख्तदार आया। और जो जागीरदार और वडेरे थे, जमींदार थे, पैसे वाले थे, सरमायादार थे, उन्होंने जर्नैलों के साथ मिलकर पाकिस्तान में तबकात को जन्म दिया, गरीबों के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अलग, अमीरों के कॉलेज, स्कूल, अस्पताल अलग, दौराने निजाम मुल्क में राइज किया गया, अमीरों के लिए निजाम तालीम बरतानवी और अमरीकी तर्ज का बनाया गया, गरीबों के लिए वो निजाम बनाया गया जिससे चपरासी के लर्क से ज्यादा और कुछ न पैदा हो सके। यहां उन लोगों का तस्करा करना मैं जरूरी समझूंगा जो तहरीक पाकिस्तान के वक्त एक ऐसा नारा जिसमें इस्लाम मजहब की मिलावट की गई थी उसमें बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस के लोग उस जज्बाती और मजहबी नारे में आकर वो होश, हवास और आकल के से सोचने के बजाय जज्बात की रौ में बह गए और वो भी पाकिस्तान के हक में नारे लगाने लगे, जबकि कायदे आजम बानी पाकिस्तान जो थे, जो मुस्लिम लीग के और जो अलहदा वतन बनाने का की तहरीक चला रही थी, जो तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसके सरबरा थे, उनके मजहब के बारे में आज के दिन तक पाकिस्तान में किसी को नहीं मालूम कि वो किस मजहब, अकीदे, मसलक से ताल्लुक रखते। मैं आज तालिबे इल्मों को बताना चाहता हूं, यह रिकॉर्डेड बात है और मैंने कभी अपनी जिंदगी में गलत तारीख बयान नहीं की, झूठ का सहारा नहीं लिया। कायदे आजम मसलकी एतबार से खोजा असना अशरी शिया मसलक से ताल्लुक रखते थे, खोजा असना अशरी मसलक से ताल्लुक रखते थे। आज भी वो लोग जिंदा हैं जिनसे मेरी बात की तस्दीक की जा सकती है कि जब कायदे आजम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी दो नमाजें जनाजा पढ़ाई गई, एक सुन्नियों ने पढ़ाई, एक शियाओं ने पढ़ाई, यह भी रिकॉर्ड पर है। मैं इसकी तफसील में भी जाना नहीं चाहता। नतीजा क्या हुआ,
माइनॉरिटी प्रोविंसेस के लोगों का पाकिस्तान की हिमायत करने पर कत्लेआम शुरू हुआ। 20 लाख मुसलमानों ने ये परवाह नहीं की कि हमारी गर्दने कट रही है, करपाल उठ रहे हैं, लोगों के गांव जलाए जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हक में कुर्बानी दी। उन्हें नहीं मालूम था कि वो जिस पाकिस्तान को बनाने जा रहे हैं वहां उनके साथ मौजूदा भारत से में रहने वाले जो 22 करोड़ मुसलमान है, यानी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आज भी भारत में रहते हैं, उससे बदतर सुलूक होगा। उनके बच्चों को ज़िबा किया जाएगा, उनकी नुमाइंदा जमात पर गद्दारी के मुकदमा बनाए जाएंगे, उनके कारकुनों को गिरफ्तार करके टॉर्चर सेलों में इन तारे कदीम जमाने की अजत दे के हरा किया जाएगा। और फिर आवाज जो उठाए उससे कहा जाएगा जेल जाओ, वरना हम जिसकी तरफ इशारा करें उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ जो एस्टैब्लिशमेंट का। अहले पंजाब जो आबादी के लिहाज से 56% है, वो बेचारे भी चंद पंजाबी जर्नेलों और हुक्मरानों और जमींदारों के मातहत जिनका गठजोड़ सिंध के वडेरे जागीरदारों, सरहद के और बलोचिस्तान के खवानीन और सरदारों से है, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक माफिया बनाई हुई है। इनकी आपस की रिश्तेदारियां हैं, मगर ये हमें गरीबों को आपस में मिलने नहीं देते। पाकिस्तान की वाहिद गरीबों की नुमाइंदा जमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट के अहवालों में तो गरीब तबके से, मजदूर तबके से, किसान तबके से, हारी तबके से, मेहनत कश तबके से कौमी असेंबली में नुमाइंदों को भेजा। ये वो वाहिद जमात थी जो मुल्क में इंकलाब ला सकती थी, लेकिन एक जमात पर भी गद्दारी के सर्टिफिकेट लगाए गए, इस पर पाबंदी के मुतालबे किए गए। मैंने एक काबिल एतराज जुमला कहा जब मेरे लोग भूख हड़ताल पर थे, क्यों भूख हड़ताली मौत के मुंह में जा रहे थे, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही थी, तीसरी तरफ शहीदों की सरबरीदा लाशें मिल रही थी, म्यूटिलेटेड बॉडीज मिल रही थी। मैंने अपनी गलती का एहसास करते हुए 2 मरतबा माफीनामा लिखा और सबसे माफी मांगी, मगर मैं गरीब तबके से ताल्लुक रखता हूं, दुअर मिडिल क्लास से, मेरे लिए कोई माफी नहीं। लेकिन खाजा आसिफ जो आज वजीर दिफा है, उन्होंने फौज के लिए कहा कि ये फौज गिदों की तरह पाकिस्तान को नोच नोच के खा रही है, जैसे कि मुर्दाओं के जिस्मों से बोटियों को नोच नोच के उनकी हड्डियों से खाते हैं, ये फौज तरह करती है। महमूद खान अजकजई ने कहा कौमी असेंबली के फ्लोर पर कि मैं खुदा की कसम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा अगर एक पख्तून को भी मारा गया, उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं आया, उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं आया। इमरान खान जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इसने कौम को धोखा दिया, एक रात की जेल नहीं काटी इसने, इसको क्या मालूम
जेल की अजियतें क्या होती हैं, इसको क्या मालूम। पक्के किले के, लाहौर किले के, अडियाला जेल के और मध जेल के और दीगर जेलों के, हकूमत खानों के, स्टेब्लिशमेंट के क्या क्या टॉर्चर्स होते हैं, किस तरह के टॉर्चर्स किए जाते हैं। इसको अगर 3 दिन के लिए भी सिर्फ एक टॉर्चर सेल में भेज दिया जाए ना, तो ये पहले ही दिन सबसे पहले खुद पेशाब कर डालेगा, जैसे इसने कहा पाकिस्तान के जर्नैलों के लिए कि भाई एक महफिल में, ये रिकॉर्डेड है, 20,000 लोगों नु इकट्ठा कर लो, ए जर्नैलों का पेशाब निकल जाएगा। तो अगर इसको ISI की या रेंजर्स की एक दिन की कस्टडी में दे दिया जाए तो जर्नैलों का पेशाब निकालने के बजाय इसका पहले वही निकल जाएगा पेशाब। अल्ताफ सिंह 3 मरतबा ज़ियाउल्लाह के जमाने में जेल जा चुका, 9 महीने 5 कोड़े की सजा भुगत चुका, मैंने माफी नहीं मांगी, आज तक मैं डटा हुआ हूं। पंजाब के दानिश्वरों को, पंजाब के समझदार लोगों को अगर बाकी मुंडा पाकिस्तान को बचाना है तो उनको उठना होगा, उन्हें सच को सच कहना होगा। और जैसे तैसी की जैसी तैसी भी जमहूरियत आती है, आते ही एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करता लीडर करप्शन 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 और न जाने क्या बदलवाने, महंगाई फला फला शोर मचाकर फॉरन मार्शल न लगवा दे, और जमहूरी अमल आगे बढ़ ही नहीं सकता, नहीं सका। आज भी लोगों की ये इत्तला है कि कराची और पाकिस्तान में दोबारा पोस्टर लग रहे हैं कि जनरल राहिल शरीफ अब इंतजार न करो, आ जाओ आ जाओ, मूव ऑन। ये जनरल राहिल शरीफ को किस बात के लिए मूव ऑन कह रहे हैं। आज फौज की मशीनरी जो बनी है, फौज ने जो जिहादी ग्रुप तैयार किए हैं, अलकायदा तालिबान और दाइश पाकिस्तान की ISI ने बनाई है, पाकिस्तान की फौज ने बनाई है, पूरी दुनिया भर में AP सेंटर दहशत गर्दों का मरकज पाकिस्तान को कहा जाता है। जब मैंने ये कहा अपनी तकरीर में तो मेरे खिलाफ आवाजें उठाई थी, चलो मैं मुझे बुरा भला कहा हूं, लेकिन हिम्मत है तो अमरीका जाके कहो ना, अक्वामे मुत्तहिदा जाके कहो, बरतानिया जाके कहो कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का मरकज नहीं है। जाओ इन बड़े बड़े इदारों में, एमनेस्टी इंटरनेशनल जाओ, एशिया वॉच जाओ, ह्यूमन राइट्स के इदारों में जाओ और वहां जाके बोलो कि पाकिस्तान तो जन्नत नजीर है, यहां तो फरिश्ते पैदा होते हैं, दहशतगर्द हम पैदा नहीं करते। ये आप मुतालबा जो मेरी तकरीरों में एतराज करते हैं वो करना चाहिए, जाकर इन इदारों में। आज पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मरतबा भी है चाइना, जब
14 ممالک نے دی تو 14 ممالک نے قرارداد کی حمایت کی کہ دہشت گرد مسعود اظہر کو نکالو پاکستان سے, دہشت گرد قرار دو. تو ویڈیو نے ایک مرتبہ, تو چائنا نے ایک مرتبہ پھر ویڈیو استعمال کر لیا. لیکن میری آج کی بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چائنا اپنی تباہی بربادی کی خاطر وہ ہمیشہ پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. اگر کرنی ہوتی تو 1971 میں کر چکا ہوتا اور پاکستان بچا چکا ہوتا. لیکن پورے پاکستان کو چاروں صوبوں کو غلام بنایا ہوا ہے. چاروں صوبوں کی صوبائی حکومتیں تو ہیں مگر دراصل وہاں پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مارشل لا لگا ہوا ہے. کور کمانڈر کی حکمرانی ہے وہاں, وہاں ڈی جی رینجرز کی چلتی ہے, وزیر اعلیٰ کی نہیں چلتی. اگر یہ بات میری غلط ہے تو آپ خود تصدیق کر لیجئے. وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بار بار کہہ چکے سابق کہ مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے بتاتا ہی نہیں رینجرز والے. یہی شکایت تمام صوبوں کی رہی ہے. بلوچستان میں آج غریب بلوچوں کی راہ سے گر رہی ہے. اب سندھ میں بھی جو حقوق کی بات کر رہے ہیں انہیں گرفتار کر کے ان کو بھی ٹارچر سیلوں میں ٹارچر دے کے شہید کر کے ان کی لاشیں جنگلوں پر پھینکی جا رہی ہیں. جس طرح متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں مہاجروں کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں, میں اب بھی ہوش مندوں سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں, جذباتیت سے پرہیز کریں اور خالی نیوکلیئر پاور پر اڑ بازی نہ کریں. کتنے ایٹم بم ہوں گے آپ کے پاس؟ رشیا سے زیادہ. ہزاروں ایٹم بم رکھنے کے باوجود رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, کیا وہ اس کے ہزار ایٹم بم اس کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے. کہ یہ ایٹم بم استعمال کر کے پاکستان کو بچا لے گی؟ یہ آگ میں کود رہے ہیں پورے پاکستان کو, باقی ماندہ پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں. میں بچانا چاہتا ہوں, میں بچانا چاہتا ہوں, میں بچانا چاہتا ہوں پاکستان کو, آج بھی بچانا چاہتا ہوں. اے پاکستانیوں, میرا ساتھ دو, جہادیوں کے خلاف الطاف حسین کا ساتھ دو, پاکستان کو بچاؤ. آؤ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. اور سے نقشوں کی روشنی میں آپ حقیقت حال کو, یہ پورے پاکستان میں نقشہ ہے, یہ پورے پاکستان میں نقشہ ہے. اور فرمائیے کہ یہ نقشہ کس کا ہے؟ یہ کس کا نقشہ ہے؟ اور اس پورے پاکستان پر حکمرانی کس کی ہے, عوام کی یا فوج کی؟ فوج کی. کس کی حکمرانی ہے؟ فوج کی. کس کی حکمرانی ہے؟ فوج کی. فوج کے بعد پنجاب, زمینداروں کی, وڈیروں کی, جاگیرداروں کی, چوروں کی, سرمایہ داروں کی, لٹیروں کی. کیا پاکستان میں
किसी भी जगह गरीबों के ऊपर नहीं है, है? ये पूरा पाकिस्तान मैंने आपको दिखाया, ये सूबा सिर्फ बहुत अच्छा है। देख लीजिए इस सूबा सिंध, इसके अतराफ में ना डाल लीजिए, सूबा सिंध इंडिया इंडिया। ये आपने देखा, ये बलोचिस्तान, इसको भी देख लीजिए, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, उधर ईरान घिरा हुआ है। ये जगह इन्हें नहीं, पूरे पाकिस्तान की, यानी ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ईरान पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ है, इंडिया पाकिस्तान के साथ है, ये क्या है, चाइना चाइना, ये किसके साथ है, अपने मफादात, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उधर बराबर में चाइना के देख लीजिए, कंपास बना हुआ है, काटम काटी का इशारा, जो इशारा दे रहा है कि बुरे वक्त में ये चाइना भी नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। क्या इस लेक्चर के बाद भी वो पंजाब प्रोविंस लैंडलॉक है या नहीं है? वो रहा पंजाब, पंजाब दिखाएं जरा जूम इन करके, पंजाब दिखाएं, पंजाब जूम इन करके, फ्रंटियर प्रोविंस दिखाएं जूम इन करके, जोमिन करे फ्रंटियर प्रोविंस। सुंदर यार वजी क्या कह रहा है, अचक सही क्या कह रहे हैं, मैं कल भी अफगानी था, मैं आज भी अफगानी हूँ और हमेशा अफगानी रहूंगा। और अगर अल्ताफ उसके अल्ताफ हुसैन कहे, मैं कल भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी हूँ और ताकत हिंदुस्तानी रहूंगा, तो क्या बोलेंगे, इंदिरा का गद्दार, इंडिया का गद्दार, रा को गद्दार। असफर यार वली खान के खिलाफ कोई आवाज आए, कोई आवाज आई, क्यों नहीं आई, पाकिस्तान के लोगों क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, फर्जंद जमीन है। याद रखिए, महाजनों को दीवार से लगाना बंद कर दे और वो रास्ता ना दिखाए, वो रास्ता ना दिखाए जो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाए, मत दिखाए वो रास्ता, मत दिखाए वो रास्ता, मत दिखाए वो रास्ता। आज मैं अपने पैगाम में यही बात को बंद करता हूं, फिलहाल पाकिस्तान अकेला है, कोई नहीं है, कोई नहीं है पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ हुक्मरान है, वजीर आजम है, कसम खुदा की मैं कसम खा रहा हूं, नवाज शरीफ की नहीं चलती, और अगर चलती है तो जितने लोग सिंध में मारे गए, बलोचिस्तान में मारे गए और महाजर मारे गए, सबका खून सिर्फ रेंजर्स पे नहीं, नवाज शरीफ तुम्हारी गर्दन पर भी होगा, याद रखो। इस जुमले पर मैं इजाजत चाहता हूँ, अहले वतन दुआ करेंगे पाकिस्तान के दानिश्वरों में आकर आए, समझ आए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लोग
मैदान में आए, पाकिस्तान जिंदाबाद।